नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस शो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय, जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। तो इसलिए श्रोतक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। और कमल नंदलाल के महा उपाय में आज का विषय भी बहुत खास है। तो मित्रों, कमल नंदलाल के महा उपाय में आज का विषय भी हमारा बहुत खास है, मकान खाली कराने का महा उपाय। कितनी शिद्दतों से, कितनी मुश्किलों से हम जीवन में एक मकान बनाते हैं, उसके अंदर रहते हैं, उसके बावजूद भी हम अपने बच्चों के सोचते हैं। जब मियाँ बीवी दोनों अच्छी तरह काम करते हैं तो क्या हमारे पास में एक प्रॉपर्टी और बन जाती है? ऐसे में हम उस प्रॉपर्टी से भी इनकम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम आए। और आजकल हुआ ये है कि लोग किसी भी किराए के मकान को अपना समझकर हड़प लेते हैं, किराया देना बंद कर देते हैं और मकान खाली भी नहीं करते। ऐसे में मकान खाली कराने का महा उपाय आपके लिए। जी हाँ, देखिए स्थिति ऐसी बन जाती है कि अमूमन दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ 80% जनता किराए पर रहती है, 80% कह रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पर ये बड़ा लाजमी है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ लोग काम करने तो आते हैं, और वहाँ के रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो बड़ी मुश्किलों से मेहनत करके, थोड़ा थोड़ा धन संचित करके अपने लिए तो रैन बसेरा बनाते ही बनाते हैं, एक एडिशनल प्रॉपर्टी और बनाते हैं जिसमें वो किराएदार रख पाएं ताकि उनका भविष्य सुधर पाए। ऐसे में किराएदार अक्सर मकान खाली नहीं करते हैं, ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं जो मैं कह रहा हूँ, और ऐसे में बड़ी दिक्कत आ जाती है क्योंकि वो आपके खून पसीने की कमाई है, मेहनत की कमाई है, जिसको कोई हड़प कर बैठ जाए। बड़ा दुखद है और बड़ा संवेदनशील विषय है। कई लोगों का पूरा पूरा जीवन बीत जाता है कोर्ट केस में, चक्कर खाते खाते अपने ही मकान को हासिल करने के लिए लोग सालों लगा देते हैं, और रिजल्ट क्या निकलता है? नीलबट्टा सन्नाटा। ऐसे में ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर हो सकता है। विशेष काम करें, अगर आपका भी मकान किराएदार के चंगुल में है और उसे वो खाली नहीं कर रहा है, तो विशेष एक काम करना है। शनिवार की शाम को एक भोजपत्र ले लीजिए। भोजपत्र एक राइटिंग पेपर होता है, वैदिक राइटिंग पेपर, ये ले लीजिए और उस पर लाल चंदन से, और विशेष तौर से रक्त चंदन कहते हैं इसको, इससे अपने किराएदार का नाम लिखकर उसको थोड़ा सुखा लीजिए। उसको एक फोल्ड मारिए, दूसरा फोल्ड मारिए, तीसरा फोल्ड मारिए और चौथा फोल्ड मारिए, संभव हो तो, नहीं तो तीन फोल्ड भी ठीक है। अब एक शहद की शीशी ले लीजिए और उस शहद की शीशे में इस पर्ची को, जो भोजपत्र की बनी हुई है जिसमें आपने नाम लिखा है किराएदार का, रक्त चंदन से, लाल चंदन से। अब इसमें कलम कौन सी इस्तेमाल करनी है? अनार की कलम, और संभव हो तो यह शनिश्चरवारी अमावस्या के दिन जरूर करें, या जिस दिन मंगलवार की अमावस्या हो। ये दो बहुत खास दिन होते हैं, एक तो भौमावस्या यानी कि मंगलवार की अमावस्या, एक काल अमावस्या शनिवार की अमावस्या। इस दिन ये काम जरूर करें कुछ ही दिनों के अंदर। और हाँ, इसे रखना कहाँ है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसे रखने की जो ठीक जगह है वो है बरगद का पेड़, और उसके नीचे भी खड्डा खोदना है। तो शनिवार या मंगलवार के दिन सबसे बेहतर रहता है कि इसे शनिवार के दिन अमावस्या के दिन कर लें, या मंगलवार के दिन अमावस्या के दिन कर लें। भोजपत्र पर लाल चंदन से, अनार की डंडी से किराएदार का नाम लिख लें, इसे सुखा करके इस पर्ची को आप शहद की शीशी में डालें, बरगद के नीचे एक छोटा सा खड्डा खोद दें और उस खड्डे में इसको दबा दें। ध्यान रहे कि यह क्रिया करते समय कोई आपको टोके ना, शांति से करें, अर्ली मॉर्निंग कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। आप देखेंगे बहुत जल्दी ही आपका किराएदार वो मकान छोड़ के बाहर।